मैंने बहुत सारे स्केड्यूल्स एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे 11th में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं सुबह उठ के देखूँ, बट उसके हिसाब से मैं सूट नहीं किया मुझे, बिकॉज सुबह उठ के थोड़ा शोर भी होता था, इसलिए मैंने क्या कोशिश की कि 12th में आते आते और लास्ट टाइम तक आते आते मैंने एक नाइट आउट वाला स्केड्यूल बना लिया, और डिपेंड करता है 2-3 बजे तक 4 बजे तक सोना, और सुबह अराउंड 9 to 10 वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता था, बट मेरा यही था। एंड इसके बाद भाई रूटीन में खाना खाना, एंड उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी अराउंड 12 के आसपास, और ब्रेक लेती रहती थी मैं थोड़ा सा ना 5 मिनट का, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे एग्जॉस्ट हो गया माइंड, तो बस ऐसा ही था मेरा। और आखिरी टाइम में आते आते लाइक मैंने खाना पी एक बार कर दिया था। हाँ जी, तो क्यों बस ऐसा लगता था कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। सोशल मीडिया का मैंने कभी उसको किया ही नहीं, मतलब मैंने डाउनलोड ही नहीं किए वो ऐप्स, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी उसको करने की। यूट्यूब तो जरूरी हो गया था कुछ वीडियोस जैसे पढ़ाई से रिलेटेड देखने के लिए, तो मैंने एक सेपरेट अकाउंट बना लिया उसके लिए, पढ़ाई की वीडियोस के लिए। और मेरा ये मानना है कि जब आपके पास एक गोल होता है तो आपको मतलब वो चीज़ बार बार रिमाइंड आती रहती है कि हाँ आपको वो करना है अचीव, तो वो बार बार आती रहती है ब्रेन में कि नहीं करना, ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सोशल मीडिया आप ऐसा होता है कि जैसे आपने एक बार चला लिया तो आप घंटों तक उसी पे लगे रहे, और उसमें आपका आपको लगता है कि 5 मिनट देखो, लेकिन फिर आप 1 घंटा निकल जाता है, 2 घंटा निकल जाते हैं, तो उसमें वो चीज़ फिर आगे गिल्ट भी होता है। जैसे मैंने कहीं अपने आसपास का देखा, और 11th में शुरू में मैंने एक दो बार बिल्कुल जब पढ़ाई कम थी तो तब हुआ था जैसे, तो ऐसे ही सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट। स्ट्रेस एंजाइटी मेरे हुआ था ये प्रॉब्लम्स जब आखिर में जैसे मैंने खाना भी कम कर दिया था, तो वो शायद उसी के कारण था कि स्ट्रेस कम होता था। बट मेरा ये था मैं मम्मी से बात कर लेती थी, तो फिर वही कि वही बता मतलब मुझे इंश्योर करती थी कि मैं अच्छा कर रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे बच्चे मेरी तरह फेस करते हैं इस चीज़ को, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपका अगर आप पैशनेट हो इस चीज़ के लिए, आप डॉक्टर बनने के लिए, तो ये इनएविटेबली आपके अंदर आ जाते हैं कि आपको करना है किसी तरह। और जैसे मैंने मेरी थोड़ी सी ये गलती रही कि मैंने 11th में थोड़ा ज़्यादा फोकस नहीं किया पढ़ाई पे, तो मेरा थोड़ा सा बैकलॉग रह गया था जो कि मैंने 12th में क्लियर किया। तो मैं वो कहना चाहूँगी कि बैकलॉग बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि फिर वो नहीं होता, वो बैकलॉग ही रह जाता है आखिरी पॉइंट तक। और बस ये कि सोशल मीडिया से दूर रहें और मेहनत करते रहें। मेरा नाम वरीना सिंह है, मेरे 691 आउट ऑफ 720 आई नीट में, एंड मेरी रैंक 633।